हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जॉइंट और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीरीज में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा था कि हमें एक ऑर्डिनरी इक्वेशन दी हुई थी और उससे हम बना रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मैं यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है या अननोन फंक्शन है वो केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है जो कि एक्स है। ठीक है, इसलिए हमने इसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में रखा हुआ है। अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था कि हमें ऑर्डिनरी इक्वेशन दी हुई थी और हम उससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे। कैसे निकाल रहे थे कि ऑर्डिनरी इक्वेशन में हम ये काउंट कर रहे थे कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, फिर हम उतने ऑर्डर तक उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे थे और फिर मैनिपुलेट करके हम सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट कर रहे थे और फिर जो हमें फॉर्म मिल रहा था वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था। ठीक है, अब तक हमने यहाँ ये देखा। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें जो करना है, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और हमें ये ऑर्डिनरी इक्वेशन निकालनी होगी। ये ऑर्डिनरी इक्वेशन और कुछ भी नहीं बल्कि इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी इक्वेशन कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सॉल्यूशन से क्वेश्चन निकाल रहे थे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन से सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी इक्वेशन हमें दी जा रही थी, जैसे हमें पिछले एग्जांपल में हमने ये देखा था कि ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस एन टी प्लस अल्फा। ठीक है, ये हमें दिया जा रहा था, जो ऑर्डिनरी इक्वेशन दी गई थी। तो हमने कहा था कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे बनाए, तो हमने इसे दो बार डिफरेंशिएट कराया था तो हमें आया था, मिला था डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मान लीजिए इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आई थी। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मैं इसका सोल्यूशन पूछूँ तो इसका सोल्यूशन यही होगा जिससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है। डिफरेंशियल इक्वेशन का वो वही सॉल्यूशन हो जाएगा, ये यानी सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब हमें देखना है हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें जो पहला होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एंड फर्स्ट डिग्री। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, इसकी अगर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब ये है कि हमें डिफरेंशियल कोफिशियंट दिया होगा जो कि लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में फंक्शन होगा एक्स वाई के टर्म्स में। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी हम और टाइप्स पढ़ेंगे इसमें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में अभी बहुत से टाइप्स हैं और वो सारे टाइप कहीं ना कहीं इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इस फॉर्म में होंगे। अब वो सारे जितने भी हम टाइप्स इसके अंडर में पढ़ेंगे उनके अपने मेथड्स होंगे सॉल्व करने के। ठीक है, आइए देखते हैं वो टाइप्स हैं कौन से। तो सबसे पहला इसमें टाइप होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला टाइप होगा इस फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर में, वो होगा वेरिएबल सेपरेबल।
वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, ये होगा। दूसरा आप पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, ये पढ़ोगे। फिर पढ़ोगे एक टाइप और कि इक्वेशन रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, इसको मैंने एच ई लिखा है शॉर्ट फॉर्म होमोजीनियस इक्वेशन को, ठीक है। और कौन सा पढ़ोगे आप, लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे। उसके बाद पढ़ोगे इक्वेशन रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म, और इसी को हम बर्नौली इक्वेशन भी कहेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। और एक और फॉर्म होगा आपका एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। और फिर उसका भी एक होगा एक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। इतने सारे फॉर्म आपको इसके अंडर में पढ़ने हैं, ठीक है। इन सारे टाइप्स, जो ये सारे टाइप्स हैं, इनके अपने मेथड्स होंगे, ठीक है, सॉल्व करने के अपने मेथड्स होंगे उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो आइए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे वैसे वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस इक्वेशन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल है हमारा, ठीक है। इसका जो इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह है, एफ वाई डी वाई इज इक्वल्स टू फाई एक्स डी एक्स, ठीक है। मतलब कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, अगर उसमें पॉसिबल है कि जो फंक्शन एफ वाई वाले हैं वो डी वाई के साथ हो जाएं और जो फंक्शन एक्स के साथ हैं वो डी एक्स के साथ हो जाएं, तो हम ये कहेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल वाला टाइप हो गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब बात आती है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकले। मान लीजिए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गई है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इसका सोल्यूशन कैसे पाएंगे, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें फॉर सोल्यूशन, फॉर सोल्यूशन वी इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड, both side, we get desired solution, solution of differential equation. कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों तरफ हम differentiate कर दें तो हमें उसका solution मिल जाएगा। यही differential equation का solution होगा, integrate करने के बाद जो भी आएगी expression वो आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर हम एक देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी फॉर्म याद जरूर रखिएगा कि वो कुछ इस तरह रहेगी, एफ वाई डी वाई, जो फंक्शन होगा वाई डी वाई के साथ होगा और जो एक्स वाले होंगे वो एक तरफ होंगे डी एक्स के साथ हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है एक्स प्लस वन डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ठीक है। अब बताइए क्या ये इस फॉर्म में है, नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एफ वाई का फंक्शन डी वाई के साथ, यहाँ तो एक्स का फंक्शन डी वाई के साथ है और यहाँ एक्स और वाई दोनों के फंक्शन जो हैं डी एक्स के साथ है। तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर प्लस वन वाले को डी वाई के साथ ले आएंगे, तो यहाँ डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप इसको मिलाइए, आपके पास ये फंक्शन भी है वाई स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये फंक्शन है एफ वाई का फंक्शन वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई के साथ में है, फाई एक्स में जो एक्स का फंक्शन है वो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स है। अब यानी ये वेरिएबल सेपरेट
हो चुके हैं। अब इसमें करना क्या है, सोल्यूशन निकालने के लिए हम दोनों तरफ खाली इंटीग्रेट कर दें तो हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट करते हैं, ये तो हो जाएगा टेन इनवर्स वाई, और ये हो जाएगा इंटीग्रेट करें अगर ये वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस सी। इस टर्म को मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये तो टेन इनवर्स वाई है, ये हो जाएगा एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स प्लस सी, और यही हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई थी, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉट वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और हमें और भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे y इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर, और जहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी रूट टू। ठीक है, अब क्या ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ सकता है, देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ x डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस कॉट वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कॉट y को नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा टेन वाई डी वाई, और ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे इसके सोल्यूशन को पाने के लिए। तो इसको हमने इंटीग्रेट किया, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये तो बन गया लॉग एक्स, लॉग एक्स वो भी माइनस साइन के साथ, प्लस लॉग सी, एक कांस्टेंट भी आ गया। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन वाई डी वाई अपॉन कॉस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दो, अगर टी को कॉस वाई पुट कर दो, दिस इम्प्लाइज दैट डी टी माइनस साइन के साथ आएगा इज इक्वल्स टू साइन वाई डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस डी टी और टी, माइनस डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब ये क्या होगा, माइनस लॉग टी प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग सी, तो ये हो जाएगा लॉग वन अपॉन टी डॉट एक्स इज इक्वल्स टू लॉग सी। अब ये हो जाएगा वन अपॉन टी एक्स इज इक्वल्स टू सी। अब टी की वैल्यू रख दो उठाकर, वो हो जाएगा x sec y इज इक्वल्स टू सी, ये आ जाएगा। अच्छा, अब x को इस तरह लिख सकते हैं c cos y। ठीक है, अब ये हमारा सोल्यूशन निकल आया। ठीक है, अब हमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी दी हुई हैं जिसकी वजह से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें दिया हुआ है कि जब x रूट टू होगा तब y पाई बाय फोर हो जाएगा। तो y जब पाई बाय फोर होगा, c cos पाई बाय फोर वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू, और x की वैल्यू रूट टू थी ही, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। जो फाइनल सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू टू cos y, और दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए, तो अगर ये दो टर्म हैं, ठीक है, इन दो टर्म को ध्यान से देखिए, तो ये किसी चीज़ की डिफरेंशिएशन है। ठीक है, किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करके हमें ये टर्म मिले हैं। तो वो टर्म है क्या, अगर मैं इसको, इस वाले टर्म को डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई, यानी एक्स वाई को डिफरेंशिएट कराऊँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें वही टर्म मिल जाएगा वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर मैं उस टर्म को चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करा देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स प्लस वाई को, तो हमें ये मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि अगर हम इन टर्म्स की जगह इन वैल्यूज़ को रख दें, यानी इसकी जगह हम इसको रख दें, इसकी जगह हम इसको रख दें, तो शायद कुछ बात बन सकती है।
तो आइए इसको पुट करके देखते हैं। x प्लस वाई की होल स्क्वायर, यहाँ पे ये किसका डिफ्रेंशिएशन था, d अपॉन डी एक्स एक्स वाई का, ठीक है। और यहाँ एक्स वाई लिखेंगे और ये किसका डिफ्रेंशिएशन होके आया था, ये आया था d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई। तो अगर हम देखें तो dx यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा क्या, x प्लस वाई की होल स्क्वायर डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये कुछ वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे ईजली, यानी इस टर्म को यहाँ ले आए तो डी एक्स वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर, ठीक है। अब वेरिएबल्स ईजली सेपरेट हो गए, अब सोल्यूशन के लिए इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये आ जाएगा लॉग एक्स वाई और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस सी, और यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन की होल स्क्वायर। ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा अपने वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट पे। तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं, हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन की होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसको z मान लेते हैं, z इज इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू फोर प्लस डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस फोर, ठीक है। अब उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि ये कुछ वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में आ रहा है, तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है। तो अब ये पूरी तरह बन चुका है, तो इसको बस डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब आपने देखा कि ये पूरी तरीके से हमारे वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में रिड्यूस हो गया है। सोल्यूशन के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा वन बाय टू टैन इनवर्स जेड बाय टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, टैन इनवर्स फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, टू को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टैन इनवर्स फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन बाय टू इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस टू सी, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी हुई है, जब एक्स ज़ीरो होगा तब वाई वन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करते हैं, तो टैन इनवर्स एक्स ज़ीरो होगा वाई वन हो जाएगा, तो यहाँ टू बाई टू हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये तो टर्म ज़ीरो हो गया तो टू सी बचेगा, ये पाए बाय फोर हो जाएगा इन टू वन बाय टू, और सी की वैल्यू हो जाएगी पाए बाय एट, ठीक है। सी की वैल्यू पाए बाय एट हो गई, अब सी की वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। अब सी की वैल्यू पुट करते हैं, सी आया हमारा पाई बाई एट, ठीक है। तो हमें ये मिली थी इक्वेशन, टैन इनवर्स फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल्स टू टू एक्स, ठीक है, प्लस पाई बाय फोर, ठीक है। ये हो गई, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब टैन को उधर ले जाते हैं, टैन इनवर्स को उधर ले जाते हैं, तो फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू टैन टू एक्स प्लस पाई बाय फोर, ठीक है। अब टू को फिर उधर ले जाओ, तो फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू टू टैन टू एक्स प्लस पाई बाय
4, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने होमोजेनियस इक्वेशन पे। कंसेप्ट है वो है होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब इसका क्या फॉर्म होता है होमोजेनियस इक्वेशन का, वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन फाई एक्स कॉमा वाई, वेयर एफ कॉम एक्स कॉमा वाई फाई एक्स कॉमा वाई दे बोथ आर होमोजेनियस फंक्शन, दे बोथ आर होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर पे है और जो डिनोमिनेटर पे जो फंक्शन है वो दोनों होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए। होमोजेनियस का मतलब क्या कि इनके वेरिएबल्स पे जो पावर होगी, ठीक है, वही पावर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के वेरिएबल पे होगी। ठीक है, तब जाके ये होमोजेनियस फंक्शन होगा और तब ये पूरा जो है ये होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, दो स्टेप में ये सॉल्व होता है। पहला स्टेप ये है कि आप y इज इक्वल्स टू वी एक्स मान लो और इसे डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, स्टेप वन में आपको ये करना है, स्टेप टू में आपको करना है सेपरेट सेपरेट द वेरिएबल्स वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट इंटीग्रेट टू गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है कि होमोजेनियस इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है, और जो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे जो दो फंक्शन दिए हुए हैं एक्स और वाई के टर्म्स में, ये होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए। होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं, होमोजेनियस फंक्शन ये जो न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है, ठीक है, इनके जो वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर होगी सेम पावर नीचे वाले फंक्शंस के वेरिएबल्स पे होगी। ठीक है, जब दोनों की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री या पावर सेम होगी तब ये होमोजेनियस फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद अब इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आई है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में आप y इज इक्वल्स टू वी एक्स मानोगे और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप पे हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप पे हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और इंटीग्रेट करके हमें अपना सोल्यूशन निकाल लेना है होमोजेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, आइए इसे क्वेश्चन से समझते हैं। अब ये एक होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, कैसे, ये देखिए, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं और ये बन जाएगा माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ बन गया, ठीक है, ये होमोजेनियस फॉर्म में कुछ बन गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई को, तो ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप न्यूमरेटर को देखो डिनोमिनेटर को देखो, पहले न्यूमरेटर को देखो, वाई पे कितनी डिग्री है, दो है, और एक्स और वाई कंबाइंड मिलाकर दो आ रही है क्योंकि x पे पावर वन है y पे पावर वन है, दोनों का कंबाइन टू। ठीक है, और डिनोमिनेटर पे भी टू है, x की पावर टू है, यानी टू है, तो दोनों में पावर या डिग्री दोनों की सेम है। ठीक है, तो यानी ये एक होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक, अच्छा, ये तो चेक हो गया। ठीक है, अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो दो स्टेप बताए थे, हमने बताया था कि y इज इक्वल्स टू वी एक्स कर लो और y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब क्या करना है, dy वाई बाई डी एक्स की जगह हम ये लिख लेंगे और जहाँ जहाँ y है वहाँ वी एक्स रख लेंगे, तो देखिए तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस वी एक्स एक्स प्लस वी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा v माइनस सात वन प्लस वी। ठीक है, अब ये v उधर जाएगा तो ये बचेगा x dv अपॉन dx
इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस वी, माइनस वी स्क्वायर माइनस वी, यानी माइनस कॉमन लेंगे तो 2v प्लस वी स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये आया, ठीक है। अब ये कुछ वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ रहा है, अगर इसको मैं नीचे ले आऊँ, डी एक्स को इधर ले जाऊँ और एक्स को इधर ले आऊँ, तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है। तो ये डी वी अपॉन ये वी स्क्वायर प्लस टू वी हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया माइनस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस लॉग सी, ठीक है। कांस्टेंट को अगर सी भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉग इधर भी लॉग आएगा, इधर भी लॉग आएगा, इधर भी लॉग आएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट पे अगर लॉग लगा दो या कुछ भी कर दो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, डी वी हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस टू वी, अब यहाँ पर प्लस कर दो, वन कर दो, माइनस वन कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा डी वी अपॉन वी प्लस वन की होल स्क्वायर माइनस वन की स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। कॉन्स्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉग लगाओ चाहे न लगाओ, ठीक है, लेकिन लगा लिया है क्योंकि यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है। जब इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये भी लॉग नहीं आएगा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्म बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा डी वी अपॉन ये बचेगा वी प्लस वन माइनस वन, वी प्लस वन प्लस वन, ठीक है, ये बचेगा माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक। अब आते हैं ठीक है। अच्छा अब ये बना डी वी ओवर वी वी प्लस टू और ये बनेगा माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बन गया। अब इसको करना है, इसको टू और वन बाई टू, मतलब कि ऊपर टू मल्टीप्लाई किया, नीचे टू मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये डी वी हो जाएगा और ये वी वी प्लस टू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। अच्छा अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, तो ये वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी प्लस टू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब आप देख रहे हो कि अगर ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो गई है, ये पूरी चीज़ इसमें कन्वर्ट हो गई, अगर v प्लस टू माइनस वी करो तो v v कैंसिल, यानी 2 बचेगा अपॉन v ब्रैकेट v प्लस टू, यानी वो चीज़ बन गई। अब ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन इसका कर दिया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 बाय टू लॉग v माइनस 1 बाय टू लॉग v प्लस टू इक्वल्स टू माइनस लॉग x प्लस लॉग सी, ठीक है। अच्छा अब इसको हम कर लेते हैं 1 बाई टू लॉग वी अपॉन वी प्लस टू, ठीक है, ये इधर आ जाएगा प्लस 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 होगा लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग सी, ओके। अब वी की जगह हमने क्या रखा था, वी की जगह क्या रखेंगे, वाई बाय एक्स, ठीक है, v की जगह y बाई एक्स रखेंगे, तो अब v की जगह y बाई एक्स की वैल्यू रखते हैं, अब v की जगह y बाई एक्स रखते हैं, यानी 1 बाई टू लॉग y बाई एक्स अपॉन y बाई एक्स प्लस टू प्लस लॉग एक्स, लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग c, ठीक है। अब क्या होगा, 1 बाय टू लॉग, अब ये हो जाएगा y अपॉन y प्लस टू एक्स, ठीक है, प्लस लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग
सी। अब टू को हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो लॉग वाई अपॉन वाई प्लस टू एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये हो जाएगा इक्वल्स टू टू लॉग सी, यानी इसको हम सी डैश लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो लॉग y x स्क्वायर अपॉन y प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू सी डैश, ठीक है। अच्छा अब क्या हो जाएगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा लॉग c स्क्वायर, ठीक है। अब लॉग c स्क्वायर है तो यहाँ लॉग c स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो जो सी स्क्वायर बचेगा उसको हम सी डैश लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी डैश वाई प्लस टू एक्स, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज तक का लेक्चर समझ में आया होगा। अभी होमोजीनियस इक्वेशन में काफ़ी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।